आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। देश की पहली विधानसभा में सत्र की शुरुआत सोमवार को हो चुकी है। इस सत्र में जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, तो वहीं 26 मई को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट भी पेश किया जाएगा। इस बजट में आम आदमी को क्या नई सौगातें मिलने के आसार है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल बजट पेश होने वाला है। कहा जा रहा है ये बजट 6 लाख करोड़ से ऊपर का रहेगा और अब तक का सबसे बड़ा बजट रहेगा। अब इस बजट के माध्यम से किसान, शिक्षा व्यवस्था, एमएसएमई सेक्टर और तमाम तरह की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। आने वाले समय में बजट कितना प्रभाव दिखाएगा, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसका शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी। मैं कहना अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सफाई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। 18वीं विधानसभा सत्र की शुरुआत विपक्ष के जोरदार हमले के साथ हुई। वहीं यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाएगा और कहा जा रहा है कि जनता को इस बार बजट से बिजली में कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले भाजपा ने घोषणा पत्र में जो दावे और वादे किए थे उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। इस बजट को लेकर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ये बजट आम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा राहत देने वाला और फायदेमंद बजट होगा। इसके पहले योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 2023 के पहले 4 महीनों के खर्चे के लिए लेखा अनुदान पारित किया था, लेकिन अब सरकार पूरा बजट पेश करेगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार का पूरा फोकस मिशन 2024 पर है और इसके लिए सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगले 5 सालों में जो भी काम पूरे होने हैं उन्हें अगले 2 सालों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही इस बजट में योगी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए बड़े फैसले लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी विभागों ने 100 दिन 6 महीने और 1 साल की कार्य योजना पेश की है। यूपी चुनाव में शानदार जीत के बाद जहां सीएम योगी नए तेवर में दिखाई दिए, ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आबी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। तो वहीं अखिलेश यादव के अनुभव की विधानसभा में कड़ी परीक्षा होनी है, लेकिन योगी सरकार की बजट परीक्षा का नतीजा जनता को कितना फायदा पहुंचाएगा और किस सेक्टर को कितनी राशि मिलेगी, ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। कल जो बजट पेश होने वाला है उसके माध्यम से जहां एक ओर सरकार अपने संकल्प को पूरा करती नजर आई कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के रास्ते ही केंद्र की सत्ता की कुंजी जाती है, तो निश्चित रूप से यहां पर सरकार प्रयास करेगी कि इस बजट के माध्यम से जनता को सारी सुविधाएं दी जाएँ और जनता को लाभ पहुँचाया जाए। तो वहीं विपक्ष ये प्रयास करेगा कि इस बजट के माध्यम से सरकार को किस तरह घेरा जाए। अब खैर, आने वाला बजट किस तरह प्रभाव करेगा और जनता के लिए इस बजट को क्या क्या उम्मीदें हो सकती हैं, ये वक्त बताएगा। पहली बात तो साफ है कि बीजेपी सरकार इस बजट के माध्यम से जनता को राहत पहुंचाने में और खुशी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।